मध्य प्रदेश में अवैध रेत कारोबार, रेत खोदते समय एक युवक की जान चली गई, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। फिर भी अवैध कारोबार को रोकने का काम प्रशासन नहीं कर रहा है। रेत माफिया सक्रिय है, इस कारण अपने काम चालू रखे हुए हैं, जिसे एक और युवक की जान चली गई। ताजा मामला छतरपुर जिले के बिजावर अनुभाग के सटई थाना अंतर्गत ग्राम नारायणपुरा में मजदूरी करने नदी किनारे रेत खोदने पहुंचे युवक प्रेमचंद कुशवाहा, पिता जगन कुशवाहा, उम्र 21 वर्ष की, रेत में दब जाने से मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि अवैध रेत भरवाने महिंद्रा ट्रैक्टर से गांव का ही शिवम दीक्षित घर से युवक को ले गया था, जिसके बाद युवक की मौत की सूचना मिली। घटना के बाद से ही रेत माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रफू चक्कर हो गया। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे, जहां युवक का शव रेत में दबा हुआ था। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों ने डायल 100 को दी, मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने मौजूद लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। वहीं घटना स्थल पर पहुंची सटई पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक युवक के परिवार में कुल 2 भाई 2 बहनें थीं। राजेश मिश्रा हमारा नाम है, निवासी नारायणपुरा के। घटना सुबह करीब 9 बजे की है। हम लोग घर पर बैठे थे, जानकारी मिली कि प्रेमचंद कुशवाहा बालू की ढी में दब गया है। हम लोग दौड़ते हुए यहाँ पे आए, गांव के 25-30 लोग आए, उसको निकाला तो मृत अवस्था में मिला। वो जहाँ पे नदी की बालू भरते हैं ये लोग, ये पूर्व से वृक्षारोपण की जमीन है, शासकीय जमीन है। अवैध उत्खनन है, ट्रैक्टर कम से कम 6-7-8 ट्रैक्टर चलते हैं, जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ना आज तक किसी ने प्रतिबंध लगाया है। गाँव वाले रोकते हैं तो बड़ों का सहारा है, इसलिए कोई बोल नहीं पाता है, ना किसी का नाम लेते हैं। और ये आज से नहीं कम से कम 20 साल से काला कारनामा चल रहा है। कई बार कई गांव के लोग टूट फट गए हैं, लेकिन इस पर कोई शासन प्रशासन ध्यान नहीं। हाँ, रेत खोदते हैं, ये रेत ट्रैक्टर में भरते हैं, ट्रैक्टर से फिर यहाँ से बिजावर आगे जहाँ भी जाती हो, बिजावर की जानकारी गांव में भी जाती है। कुमार साहू है, हम नारायणपुरा के रहने वाले हैं, और जो एक घटना हुई है, इसका नाम प्रेमचंद कुशवाहा है। इनके घर पे श्रम दीक्षित गए 5 बजे सुबह, वो लुवा के ले आए यहाँ पे कि चलो बजी भरने जाना है। बजी भरने के लिए लुवा के ले आए, एक बार और चप गया थे इसी ढी में, फिर से लुवा के आए, दोबारा चप के गया। अब है जो ललगुआ कहती थी, 2 लड़का, एक का नाम बेटा बेटा बोलते हैं उस पर, एक पाली की हो चाह गई बेटा बोलते, एक और है उसका पता नहीं, उसका नाम नहीं आया। और जो ललगुआ का बता रहे, एक ट्रैक्टर और बता रहे हैं। किस किस के थे ट्रैक्टर? एक शिवम का बोल रहे हैं, शिवम दीक्षित का, और एक है जो यहाँ का लालगुआ का बोल रहे हैं। ठीक है, उनका नाम प्रेमचंद है। ये 5 बजे वाले आए, हमारे लाइफ जगा ले आए। शिवम ट्रैक्टर होता था वो भाई जानो, होते से उठा लेगा, लाएगा हमारा चपका, वो लुवा लेगा, होते से ट्रैक्टर होता था बजी के लिए लुवा ले आए, भाई भी के ला ले। हमने 10 बजे मना कही, हमारा लाइक कहा ना लुवा जी के भाई भी का, ये मान लो 10 बजे गए लुवा भी बजी भाई भी, तो बजी लुवा लिया भाई भी, हमारे लाख सुख से जगा लिया 5 बजे रोज, बिल्कुल रोज ले जाते हैं बजरी। हमने जब जब कहा तो जब हमने मना कह दी थी, वो जी मानी नहीं है, फिर हमारे लाख 5 बजे लुवा लिया है, हमारे लाख हलवा लिया 5 बजे भाई भी के लिए। आज ये पुलिस थाना सटई को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि पास के गांव में एक प्रेमचंद कुशवाहा जी थे, जो मजदूरी का कार्य कर रहे थे, वो मुरम खोदने गए हुए थे और वहीं पर मिट्टी धंसने से उनका देहांत हुआ है। इमीडिएट पुलिस फोर्स पहुंचा है और उनको हम लेके आए, उनका पीएम वगैरह कराया जा रहा है और मर कायम कर रहे हैं इसमें, और आगे जैसे भी एविडेंस मिले उस अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम, स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब एंड book library, beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community.
वात्सल्य इज वेयर एजुकेशन मीट्स एक्सलेंस।